चोरी के रैयतों की नौकरी एवं मुआवजे की मांग को लेकर 6 दिवसीय धरना प्रदर्शन का 5वां दिन भी लगातार जारी है। चोरी रैयतों ने नौकरी की मांग को लेकर यह शांतिपूर्वक प्रदर्शन 13 जुलाई से लगातार सोमवार 5वें दिन भी जारी है। धरना में बैठे बिहार कोलियरी कामगार यूनियन के अध्यक्ष रतिया गंजू ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन चोरी के रैयतों के साथ बार बार समय की मांग की और रैयतों ने समय भी दिया, लेकिन अभी तक सीसीएल प्रबंधक के तरफ से उचित काम नहीं दिख रहा है, इसलिए 14 जुलाई से चोरी परियोजना को ठप करा दिया जाएगा। आज हम लोग चोरी परियोजना के अंतर्गत जो 48 एकड़ जो जमीन किया है, जो रैयत अभी भी मान 1985 से लोग भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे, लेकिन सीसीएल खाली आश्वासन देती है। इसी चलते मेरा नाम रतियागंज हुआ, मैं जिला परिषद सीटू का जोनल अध्यक्ष हूँ और मैं ठान लिया हूँ कि ये लोग जब तक नियुक्ति पत्र नहीं दियाएंगे तब तक हम आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। और आज हम लोग धरना पर 5वां दिन हो गया और 6ठा दिन के बाद हम 7वां दिन पूरा चूरी परियोजना को हम ठप कर देंगे, है ना, जब तक ये लोग नियुक्ति पत्र नहीं मिलता। वहीं समर्थन में पहुंचे आरपीआई अंबेडकर पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष अनीता एक्का ने कहा कि 1985 से लेकर आज तक चूरी की रैयतों को सीसीएल के द्वारा उनकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया है, लेकिन यहां के रैयत ग्रामीणों को 32 वर्ष बीत जाने के बाद भी सीसीएल द्वारा नौकरी नहीं दी गई। आज यहां पर चूरी के जो रैयत लोगों का नौकरी और मुआवजा का जो मांग है उसको लेकर के जिस तरह से यहां पर बिहार कोलियरी कामगार यूनियन साथ दे रहा है, उसी तरह मैं भी यहां पर अपने जितने समर्थक हैं आरपीआई के सबों के साथ चूरी के रैयतों का नौकरी और मुआवजा के लिए उनका पूरा सहयोग देने के लिए आई हूं। और प्रबंधन समय पर समय, तारीख पर तारीख देकर इसको टाल मटोल करने की कोशिश ना करे। एक पीढ़ी गुजर गया है, अब दूसरा पीढ़ी लड़ाई लड़ रहा है और जब तक यहाँ के रैयतों का नौकरी और मुआवजा का मांग पूरा नहीं हो जाता है तब तक मैं इनके साथ हमेशा लड़ने के लिए, इसके लिए जो भी करना होगा तैयार रहेंगे। प्रबंधन जल्द से जल्द इनकी मांगों को पूरा करने का प्रयास करे। आरपीआई अंबेडकर पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष मुकेश ऋषि ने कहा कि सीसीएल प्रबंधन चूरी के रैयतों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। सीसीएल प्रबंधन को चाहिए कि रैयतों के साथ मिलकर उनके अधिकार को पूरा करे, नहीं तो आरपीआई अंबेडकर पार्टी चूरी की रैयतों के साथ मिलकर उनके अधिकारों को दिलाने के लिए सदा उनके साथ है। आज चूरी प्रोजेक्ट में जो धरना प्रदर्शन जो रैयत और विस्थापितों के लिए हो रहा है, बहुत दुख की बात है। और जो हमें सुनने में लगा कि इन लोगों बहुत सालों से मशक्कत कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके मांगों को कोई नहीं सुन रहा है। अब हम लोग सीटू पार्टी को भी समर्थन कर रहे हैं और हम लोग दोनों मिलकर इन लोगों को जो भी है नौकरी और मुआवजा वो सारा चीज़ दिलाने का मांग करेंगे। और प्रबंधन को मैं चेतावनी देता हूं कि अगर इनका मांग अगर पूरी नहीं हुई तो जिस तरह का इन लोगों ने निर्णय लिया है उस पे मैं खलारी प्रखंड स्तरीय जितने भी हम लोग रिपब्लिक पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं हम लोग जी तोड़ मेहनत कर इस बार मैंने ये बंद करने का आह्वान किया है। हम लोग पूरी समर्थन करेंगे। धन्यवाद। कर्जा में डूबल है किसान, जानत रहे हर इंसान, बंद रहे हर जवान, चुप रहे हर इंसान। कृषि मंत्री राह दिखा ले, 50,000 कर्जा, 1 रुपया में माफ करा।